हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ए प्लान दोनों भाइयों के लिए बनाया गया मिड पॉइंट से डिवाइडेड करके। प्लॉट का साइज है 60 फीट बाई 38 फीट, 60 फीट इस डायरेक्शन में और 38 फीट इस डायरेक्शन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस प्लॉट में आपको मिलेगा दो बेडरूम, एक स्टडी रूम, पोर्च, किचन, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया, स्टेयर केस, बाइक पार्किंग एंड कार पार्किंग एरिया, और यही सब कुछ मिलेगा फ्लैट बी में। इस प्लॉट के ऊपर बनाया गया फर्स्ट फ्लोर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। यहाँ पर है आपका पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप दो कार आसानी से पार्किंग कर सकते हैं, और इस पार्किंग के दोनों साइड मिलेगा दो स्टेयर केस। इस पार्किंग एरिया का साइज है इस डायरेक्शन में 16 फीट 5 इंच और इस डायरेक्शन में 21 फीट 4 इंच। प्लॉट में फ्लैट ए का एंट्रेंस यहाँ से होगा और फ्लैट बी का एंट्रेंस यहाँ से होगा। मैं सिर्फ आपको फ्लैट ए दिखाऊंगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पर होगा मेन डोर, इस डोर का साइज है 4 फीट। इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आप अपना बाइक पार्किंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई है 7 फीट। आगे आते ही यहाँ पर मिलेगा आपको लॉबी और यहाँ पर और एक डोर। यहाँ पर डोर देंगे तो आप ग्राउंड फ्लोर को रेंट पर दे सकते हैं। इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 4 इंच। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 13 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट 10 इंच। और यहाँ पर है आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर, डोर का साइज़ है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 12 फीट और इस डायरेक्शन में 13 फीट 7 इंच का होगा। रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट एंड पोर्च। पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट 2 इंच और ये टॉयलेट 4 फीट 7 इंच बाई 3 फीट 3 इंच का होगा। अब देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। इस डोर से बाहर आते ही इस डोर के ऑपोजिट में यहाँ पर मिलेगा सेकेंड बेडरूम का डोर। डोर का साइज़ है 3 फीट और ये रूम 13 फीट 7 इंच बाई 10 फीट का होगा। रूम में दो विंडो है और इस रूम से बाहर आते ही दाहिने तरफ है किचन का डोर। डोर का साइज़ है 3 फीट और ये किचन इस डायरेक्शन में 7 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट 2 इंच का होगा। किचन में यहाँ पर मैंने एक विंडो दिया है जो 3 फीट का होगा और इस विंडो से ही इस ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। यहाँ पर मिलेगा थर्ड बेडरूम का डोर। डोर का साइज़ है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 8 फीट और इस डायरेक्शन में 13 फीट 11 इंच का होगा। रूम में एक विंडो है। रूम से बाहर आते ही दाहिने तरफ इस पैसेज से जाते हुए बाई तरफ मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट का डोर। डोर का साइज़ है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 4 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट का होगा। और इस टॉयलेट से बाहर आते ही बाई तरफ इस पैसेज से जाते हुए यहाँ पर मिलेगा आपको एग्जिट का डोर। आप देखेंगे आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 7 फीट बाई 11 फीट 7 इंच और इस स्टेयरकेस में आपका अभ्यास होगा। यह आपका फर्स्टाइजर और ये फर्स्टाइजर यहाँ से 3 फीट 4 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा, यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 4 इंच और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 4 फीट। इस स्टेयरकेस में टोटल 20 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 10 फीट, इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक गैरेज के ऊपर यहाँ पर होगा आपका ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है 8 फीट बाई 17 फीट 5 इंच। ड्राइंग रूम में आपको यहाँ पर एक डोर मिलेगा और यहाँ पर एक डोर और यहाँ पर एक डोर बैल्कनी के लिए। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देख लिया कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।